शाही स्नान कितने शाही स्नान था, किस तरह भैया किस तरीके की व्यवस्था रही और किस तरीके से संपन्न हुआ? देखिए आज कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का द्वितीय शाही स्नान था और इस शाही स्नान पे हमारे साधु महात्मा जो यहाँ पर कुंभ में आकर उनका प्रवास चल रहा है उनकी पहले तो शाही जुलूस निकाला गया है जो वृंदावन के तमाम गलियों से होकर गुजरा है। उसके उपरांत जो हमारा यहाँ का मुख्य घाट था, मुख्य घाट पे पहले उन्होंने ध्वजा और जो उनके शिखाएँ हैं उनको उन्होंने सम्मानपूर्वक यमुना जी में समर्पित किया और उसके उपरांत हर्ष और उल्लास के वातावरण में यहाँ के सभी संत महात्मा लोगों ने यमुना जी में डुबकी लगाकर इस स्नान पर्व को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। सर अगर बात करें तो संतों ने तो जहाँ स्नान किया गया वहाँ पुलिस ने भी खूब आज गोते लगाए हैं। नहीं देखिए ऐसा है, मैंने पहले ही कहा कि जो ब्रज है ब्रज हर्ष और उल्लास के लिए माना जाता है, जाना जाता है वसंत पंचमी से। वैसे ही ब्रज में होली का उत्सव क्या एक तरीके से औपचारिक प्रारंभ हो चुका है और आज इस अवसर पर एकादशी के अवसर पर जहाँ एक और हजारों की संख्या में श्रद्धालु परिक्रमा लगा रहे हैं और वहीं पर यमुना जी के पावन तट में और यमुना जी के गोद में हमारे पुलिस वाले और जितने भी मतलब सुरक्षा से जुड़े हुए कर्मी हैं उन्होंने भी इस शाही स्नान पर्व का आनंद लिया है। सुरक्षा भी उन्होंने रखी है और साथ साथ अपने अपने ड्यूटी के समाप्ति के बाद यमुना जी का आशीर्वाद उन्होंने भी प्राप्त किया है।